ये ट्रॉफरे मशीन है, मैंने अभी आपको बताया कार्डिंग मशीन का जो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, ये ड्रॉफ्रेम है, ड्रॉफ्रेम ब्रेकर है। आप इधर देखिए, ये जो फीड टेबल जो दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रील। इसमें हमने जो कार्डिंग मशीन का जो स्लाइवर है वो 6 स्लाइवर हम यहां पे फीड कर रहे हैं। हमारे पास मटेरियल कम है, इस वजह से हमने कम कम मटेरियल लगाया। जो हमारी स्पिनिंग मिल के अंदर जो मशीन चलते हैं वो पूरा कार्डिंग से जो निकला हुआ पूरा कैन है, वो पूरा कैन दी कैन लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये लैब है, यहाँ पे कमर्शियली हम पूरा फुल फ्लेश मशीन नहीं चलाते हैं। तो हमारे पास 2 किलो 4 किलो 5 किलो का सैंपल हमें बनाना पड़ता है। तो उस समय क्या करते हैं, हम उसको काट के जितना भी कैन के अंदर मटेरियल है वो काट के हम डिवाइड कर लेते हैं। अदरवाइज मिल के अंदर क्या होगा कि पूरा पूरा, अगर 6 डबलिंग करना है 6 कैन पूरा जो है 6 कैन यहाँ पे फीडिंग करते हैं। तो अभी ये पूरा क्रील है, इस क्रील में जो है हम कार्डिंग से जो निकला हुआ स्लाइवर है इस स्लाइवर को हम यहाँ पे फीड कर रहे हैं। ठीक है, और ये ड्रॉफ्रेम मशीन है, इधर देखिए, ये 3 और 5 ड्राफ्टिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका नीचे जो है ये 5 रोलर है। आप इधर देखिए नजदीक आके, ये फीड रोलर, मिडिल रोल, फ्रंट रोल। ठीक है, फीड रोलर पे 1 रोलर है, मिडिल पे ट्विन रोल है, ये दिख रहा है, ये ट्विन रोल है, और फ्रंट में भी ट्विन रोलर है। ठीक है, और ऐसा ही इसमें भी है पूरा। ये रबर कोटेड जो है ये कॉट रोलर सही है टॉप में, और ये बॉटम रोलर है, ये टॉप रोलर है। ठीक है, इस ड्राफ्टिंग सिस्टम को बोलते हैं 3 और 5 ड्राफ्टिंग सिस्टम। मतलब ऊपर जो है 3 रोलर है और नीचे जो है 5 रोलर है। फीड रोलर एक के ऊपर जो है 1 रोलर है, और मिडिल रोलर में 2 रोलर के ऊपर 1 रोलर है, और फ्रंट में 2 रोलर के ऊपर 1 रोलर है। ठीक है, और टॉप रोलर ऑलवेज जो है वो रबर कोटेड वाला जो है कॉट रोलर होता है, और नीचे जो है मेटेलिक वाला रोलर्स होते हैं। ठीक है, और फीड रोलर से मिडिल रोल का स्पीड ज़्यादा होगा, मिडिल से फ्रंट का स्पीड ज़्यादा होगा, जिस वजह से क्या कर रहे हैं हम, इसको ड्राफ्टिंग दे के हम स्लाइवर को जो है पतला कर रहे हैं। पीछे जो है हमने 6 स्लाइवर फीड किया और आगे आके फिर 1 स्लाइवर हमने कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अराउंड जो है 6 का ड्राफ्ट हमने दे दिया, मतलब 6 स्लाइवर पीछे से फीड कर रहे हैं। मान लीजिए पीछे जो है 30 ग्राम हम फीड कर रहे हैं, आगे अगर 5 ग्राम हमारे डिलीवरी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा डिलीवरी, हमारे ड्राफ्ट हो गया 6, मतलब हम 6 टाइम्स जो है उसको पतला कर रहे हैं। ऐसा ही कार्डिंग मशीन के अंदर भी, मैंने आपको उस समय नहीं बताया था, कार्डिंग के अंदर जो लैप ब्लोरूम का जो फाइबर शीट है, अगर मान लो वो 0.00125 हैंक है, उसका काउंट जो है 0.00125 हैंक, इसका मतलब है अराउंड 430 ग्राम एक गज लंबा जो हमारा फाइबर शीट का वेट 430 ग्राम के आसपास होगा। ठीक है, और हम कार्डिंग मशीन पे उस एक गज को जो है हम फीड कर रहे हैं, और आउटपुट मान लीजिए हमने 100 मीटर जो है हमने स्लाइवर बनाया, इसका मतलब है 1 मीटर फाइबर शीट को हमने 100 मीटर स्लाइवर बनाया, इसका मतलब है 1 मीटर को 100 बनाया, 100 का ड्राफ्ट दिया, 100 टाइम्स उसको खींचा। ठीक है, तो 430 ग्राम का जो है हमने 100 टाइम्स अगर हमने खींचा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिलीवरी डिलीवर्ड जो स्लाइवर है उसका वेट क्या होगा, 4.3 ग्राम्स पर यार्ड, एक गज लंबा जो स्लाइवर है उसका वेट होगा वो 4.3 ग्राम्स। हमने जो है पीछे जो फीड किया 1 यार्ड फाइबर शीट, उसका वेट है 430 ग्राम्स, इसका मतलब है हम 100 टाइम्स उसको ड्राफ्टिंग किया। ड्राफ्टिंग मीन्स थिनिंग डाउन द मटेरियल, मटेरियल को खींचते हुए पतला करना। ठीक है, वो ड्राफ्ट ऐसे ही यहां पर ड्रॉफ्रेम मशीन पे भी हम ड्राफ्टिंग देते हैं, 6 का 7 का 8 का या 6.5, जो भी हमारे स्क्रीन प्लान के अंदर है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सेट करते हैं। और दूसरी जो मेन काम है, वो मेन जो सेटिंग है वो इन बिटवीन रोलर्स का जो सेटिंग है, वो भी इम्पोर्टेंट सेटिंग है, जिसको बोलते हैं निब डिस्टेंस, जो मशीन का गेज जो बोलते हैं, कि
फीड रोलर से फीड रोलर और मिडिल रोल का बीच में क्या डिस्टेंस होगा, मिडिल और फ्रंट का बीच में क्या डिस्टेंस होगा, ये डिपेंड होता है फाइबर लेंथ के ऊपर। मान लीजिए 34 mm का हमारा पॉलिस्टर फाइबर है, तो हम क्या करेंगे, फीड रोलर और मिडिल रोलर के बीच में जो है प्लस 3 mm हम सेट करेंगे। इसका मतलब है 34 प्लस 3 37 mm हमारे गैप होगा फीड और मिडिल का। उसके बाद फिर 37 प्लस 2 mm 39 mm मिडिल और फ्रंट का बीच में जो है वो गैप होगा, ठीक है। तब जो है ये अच्छा से प्रोसेस होके फिर आप देखिए, इसको मैं चला के दिखाता हूं। देखिए इधर पूरा पीछे से रनिंग दिखाओ, फीड से मिडिल का स्पीड ज्यादा है, मिडिल से फ्रंट का स्पीड ज्यादा है, जिस वजह से स्ट्रेच होकर ड्राफ्टिंग होकर के ये पतला हुआ और फाइबर जो है स्ट्रेटनिंग हो रहा है और यूनिफॉर्मिटी इंप्रूव हो रहा है। फिर ये कैलेंडर रोलर है, टेबल कैलेंडर रोलर। उसके बाद ये कॉयलर है, पूरा कॉयलर पे जो है ये हमारा कैन के अंदर कॉयल के रूप में फिल हो रहा है। देखिए ये देखिए, ये कॉयल फॉर्म होके जो है कॉयल के थ्रू, कॉयलर के थ्रू जो है इसके अंदर फिल करते हैं ये। ये गार्डिंग स्लाइवर को पहली बार हम चला रहे हैं, इसको बोलते हैं ड्रॉप रिंग ब्रेकर। और इसका जो आउटपुट निकला है, फिर दोबारा हम सिमिलर मशीन एक और होगा मिल के अंदर, हमारा मिल नहीं है लैब है, इस वजह से हम क्या करते हैं इस लाइवर को निकाल के फिर दोबारा पीछे से इसी में फीड करते हैं, ठीक है। और जो सेकंड प्रोसेस है उसको बोलते हैं ड्रॉ फ्रेम फिनिशर, मतलब फिनिश होके जो स्लाइवर निकल रहा है ड्रॉ फ्रेम से, दैट इज फिनिशर ड्रॉ फ्रेम।